बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल फाइन। और आपको याद होगा कि हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 10, माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्टस। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हमने द मेन स्वार्म इजंट सेटलिंग से हमने शुरू करना है। तो शुरू करते हैं द मेन स्वार्म। इसका जो बड़ा लश्कर है, मेन स्वाम कहते हैं लश्कर को, इजंट सेटलिंग, कहीं ठिकाना नहीं बना रहा, सेटल होना, ठिकाना बनाना। मेन स्वाम इजंट सेटलिंग, इसका बड़ा लश्कर कहीं ठिकाना नहीं बना रहा। दे आर हैवी विद एग्स, वो अंडों से भरे हुए हैं। दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू सेटल एंड ले, वो किसी जगह, तो वो जगह को तलाश कर रहे हैं जहाँ वो ठिकाना बनाए और अपने अंडे दे सकें। If we can stop the main body settling on our farm, अगर हम अपने farm पर उनको ठिकाना बनाने से, बड़े लश्कर को ठिकाना बनाने से रोक सकते हैं, that's everything। यहाँ से इससे ये मुराद दिया जाएगा कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया, यही सब कुछ है, हमने सब कुछ पा लिया, अगर हम इस बड़े लश्कर को हमारे farm पर ठिकाना बनाने से रोक सकते हैं तो। If they get a chance to lay their eggs, अगर उनको अपने अंडे देने का मौका मिल गया, we are going to have everything eaten flat with hoppers। Hoppers कहते हैं छोटी टिड्डियाँ। तो अगर जो है वो कहते हैं हम, we are going to have everything eaten flat, बिल्कुल नेस्त तो नाबूद कर देना, चट कर देना, सारे से ख़त्म कर देना, विद hoppers later on, बाद में आने वाली जो टिड्डियाँ हैं, जो अंडों से टिड्डियाँ पैदा होंगी, नई पैदा होने वाली जो टिड्डियाँ हैं। He picked a stray locust off his stray, भटकी हुई locust डी को पिक उठाया off his shirt, अपनी कमीज में से, and split down with his thumbnail, अपने अंगूठे से उसको तोड़ दिया, दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में तोड़ दिया। It was clotted inside with eggs, ये अंडों से भरी हुई थी अंदर से टिड्डी। Imagine that multiplied by millions, सवर करें अगर इसको लाखों करोड़ों से ज़रब दे दें तो। यू एवर सीन अ होपर स्वाम ऑन द मार्च, क्या तुमने कभी टिड्डियों के लश्कर को पेश कदमी करते हुए देखा है? मार्च का मतलब पेश कदमी करना। तो कहता तुमने कभी टिड्डियों के लश्कर को मार्च पेश कदमी करते हुए देखा है? वेल यू आर लकी, तो तुम खुशकिस्मत हो, मतलब अगर तुमने नहीं देखा तो तुम खुशकिस्मत हो। वो एक भयानक खौफ की तरफ इशारा कर रहा था। Is it very bad? क्या ये बहुत बुरा होता है? Ask Margaret fearfully. Margaret ने खौफज़दा अंदाज से पूछा। And the old man said emphatically. Emphatically जोर देते हुए, emphasis. तो बड़े आदमी ने जोर देते हुए कहा, We are finished. तो हम ख़त्म हो गए, समझो। This swarm may pass over, but once they have started, ये swarm लश्कर गुजर सकता है, लेकिन एक दफ़ा वो शुरू हो गए, they will become dawn from the north. शुमाल से वो आते रहेंगे। नाउ वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। एंड देन देयर आर द होपर्स, फिर टिड्डियाँ, छोटी टिड्डियाँ। इट माइट गो ऑन फॉर 2 or 3 years, ये 2 से 3 साल तक जारी रह सकता है। तो ये जो था, ये दो पैराग्राफ्स आपने कल अच्छे तरीके से करने हैं। नेक्स्ट डे हम इंशाल्लाह इसका रिमेनिंग पार्ट ख़त्म करके तो क्वेश्चन आंसर्स और इसके एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। So that's all for today. Fi amanallah. Allah Hafiz.